हाँ जी बाबा, जो ना संडे संडे क्लास करते हैं, हफ्ते में एक बार मिनी मधुबन में आते हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि विदेशी धर्म में जाने वाले हैं वो, हैं दूसरे धर्म वाले होते हैं वो, अगर दूर रहते हैं तो हम तो दूर रहते हैं, हफ्ते में एक ही बार आते हैं। कितना दूर रहते हैं? 5 किलोमीटर दूर रहते हैं। 5 किलोमीटर दूर रहते हैं। गुरुवार को आते हैं वो भी दोपहर को, सिर्फ बहनों का संगठन होता है उसमें। अच्छा, गुरुवार को आते हैं बहनों के संगठन में, रविवार को आते हैं सामूहिक संगठन में, तो हो गया ना एकता धर्म का है। एकता धर्म का है। विदेशी क्यों? जो विदेशी होते हैं, खास करके जो क्रिश्चियन होते हैं, वो संडे संडे जाते हैं गिरजाघर में, और मुसलमान होते हैं तो जुमा जुमा जाते हैं। आप तो दो बार आते हैं फिर है। और नमो हम लोगों शिवाय किसी को समझा, नमो माने नमन, नमन माने माथा झुकाना, माथा किसको झुकावेंगे, बिंदी को झुकावेंगे या साकार को झुकावेंगे है? माथा झुकाने का मतलब है स्पेशल रिगार्ड देना। क्यों? माथे में क्या धरा है? बुद्धि रूपी आत्मा धरी है, बुद्धि झुकाना, औरों के प्रति बुद्धि नहीं झुकाई। जो कल्याणकारी है, नाम शिव है, जिसका काम ही कल्याणकारी है, उसके प्रति झुकाया तो वो कल्याणकारी बिंदी बन के रहता है, तब कल्याण करता है, या साकार में आता है तब कल्याण करता है। साकार में आता है तब नमन किया जाता है, तब कहा जाता है ओम नमो शिवाय। किसको नमन किया? शिव को नमन किया। सिर्फ बिंदी को नमन नहीं किया, जब साकार और निराकार का मेल हुआ तब नमन किया। और भगवान दक्ष प्रजापिता कौन, कैसे, क्या मतलब? दक्ष कहा जाता है ट्रेंड को, ट्रेंड माने प्रवीण, दक्ष। कोई की ट्रेनिंग पूरी होती है तब उसको कहा जाता है दीक्षित हुआ, दीक्षा ले ली। अनट्रेंड नहीं है, क्या है? ट्रेंड है। तो भगवान बाप भी जिस मुकर्रर रथ में आते हैं वो अनुभवी रथ होता है या यूं ही आते हैं? अनुभवी रथ में आते हैं। ट्रेंड है, एक जन्म की बात नहीं है। बाप विदेश में आते हैं या स्वदेश में आते हैं? हैं? स्वदेश का नाम क्या है? भारत का अर्थ क्या है?
जो सदैव ज्ञान में रत रहने वाला है। भगवान बाप आते हैं, ज्ञान देते हैं, तब तो है ही सत्य ज्ञान में रत रहने वाला। परंतु बाप सदैव तो नहीं रहते, सत्युग त्रेता में रहते हैं है? नहीं रहते हैं। भल नहीं रहते हैं तो भी जो आत्मिक स्टेज है नारायण की रहती है, वैसी आत्मिक स्टेज किसी की नहीं रहती। ऐसी आत्मिक स्टेज का संगम में फाउंडेशन पड़ता है जो 84 जन्म तक चलती है, और धर्म की आत्माओं की ऐसी स्टेज 84 जन्म तक नहीं चलती। जैसे इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं कम कलाओं वाली हैं, या 16 कला संपूर्ण बनती हैं, कम कलाओं वाली हैं, विविचारी वृत्ति वाली है, संगम युग में काम इंद्रियों के विचार से तो भल छूट जावे, परंतु दृष्टि के विचार को नहीं छोड़ पाती। वाइब्रेशन से तो विचार रहेगा ही, और इतनी जास्ती पतित बनती है विचार से संगम में कि सतयुग त्रेता 21 जन्म या कम जन्म जन के भी होते हैं, वो पूरा होने के बाद सबसे पहले पतित कौन सी आत्माएं बनती हैं? इस्लाम धर्म की ही आत्माएं पतित बनती हैं। क्या कारण हुआ? उनमें ऐसी कौन सी रग है जो पहले पतित बन पड़ती है? कौन सी कमी है? अव्यभिचार की कमी है। अव्यभिचार की कमी होने के कारण उतनी आत्मिक स्थिति नहीं बना पाती, आत्मिक स्थिति का उतना गहरा फाउंडेशन नहीं पड़ता जितना सूर्यवंशी आत्माओं का पड़ता है। तो वो द्वापर के आदि से ही पतित होना शुरू हो जाती, दूसरे धर्म की आत्माएं उनमें प्रवेश कर जाती और भारत को धोखा देने के लिए मजबूर हो जाती है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के चली जाती है, भारत का नाम बदनाम कर देती है। उनके मुकाबले सूर्यवंशी आत्माएं ऐसी हैं जो अंतिम 84वें जन्म तक भी अपनी स्टेज को और धर्मों के मुकाबले सबसे जास्ती पकड़ के रहती है। तो 63 जन्म जिनके ज्यादा अच्छे संस्कार रहते हैं, संगम युग में जब बाप आते हैं तो वो ज्ञान की बातें ईश्वर की धारण करने में उनको कोई कठिनाई नहीं होती है। जो बाबा ने बोला है तुम्हारे कुल का होगा तो झट समझ जावेगा, तुम्हारे कुल का नहीं होगा तो देर से समझेगा या अंत में जाकर समझेगा। हाँ बाबा, राजा परीक्षित को काल ने इतना बड़ा दंड क्यों दिया? क्या राजा परीक्षित था उसको इतना बड़ा दंड क्यों दिया काल ने? पूर्व जन्म के हिसाब किताब होते हैं। जो हफ्ते में आते हैं क्लास करने वो क्रिश्चियन, जो महीने में आते हैं वो मुस्लिम, ये तो कोई बात नहीं हुई। मुसलमान लोग भी तो सप्ताह में एक बार मस्जिद में जाते हैं ना, कम से कम।
और जो बाबा के आने पर ही आते हैं उनकी क्या शूटिंग होगी? बाबा तो कहते हैं आने की तो बात बहुत बड़ी हो गई, लेकिन जो दो महीने तक चिट्ठी भी नहीं लिखते, कोई कनेक्शन में ही नहीं रहते, वो जिंदा है या मर गए? हैं? वो तो मर गए। जो क्लास में आते ही नहीं है वो तो मरे हुए के समान है, और मरा हुआ आ जाए तो भूत हुआ या मनुष्य हुआ, ब्राह्मण हुआ, भूत हो गया? बाबा जो ज्ञान समझाने में तेज हैं मगर धारणा में नहीं है तो उनकी का छुट्टी, और ज्ञान से एक दो चलाए भी हैं, वो सत्युग में जाके टीचर बन जाएंगे, राजा नहीं बनेंगे, राजघराने में नहीं आवेंगे। बाबा जो क्लास भी रोज उठाते हैं मन बुद्धि से ना जुड़े तो क्या पाठ है? मतलब क्लास भी रोज करते हैं मन बुद्धि से नहीं जुड़े तो क्या उसका पाठ क्या है? तो मन बुद्धि जहाँ जुड़ती है वहीं उन्हीं के साथ शूटिंग होती है। बाबा जो घर में क्लास करते हैं पर मन बुद्धि से आश्रम में है तो वो सूर्यवंशियों में नहीं आएंगे? प्रूफ क्या है इसका? पॉइंट्स वगैरह हो गए, कुछ प्रूफ तो मिलना चाहिए। डायरी में लिखा होगा बाबा, डायरी में पूरा डेट वगैरह सब लिखी होती है, पूरा डायरी बनाई हुई है। हाँ हाँ, तो वो प्रूफ मिलना चाहिए ना, कौन सी मूर्ति सुनी है, कैसा किए। बाबा ज्ञान में आने के बाद यदि व्रत नित नियम करना पड़े घर वालों के कहने पे तो करना चाहिए, व्रत रखना पड़े 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 या पड़े माने मजबूरी में है या स्वतंत्र है? हैं? राजा बनने वाले स्वतंत्र हैं आत्माएं या अधीन आत्माएं हैं? तो अधीन अधिकारी बन सकता है, हैं? वो तो अधिकारी बन ही नहीं सकता। और सामने बर्तन रख लिया, अंदर जाके खा लिया, अंदर जाके कमरे में जाके खा लिया, बाहर दिखा रही बर्तन रखा है, चलेगा? तो चोरी करते हैं ना, चोरी वाले संस्कार पड़ गए बाबा, चोर हो गए ना, हो गया। बाहर दिखाने के लिए हम बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं और छुप करके खा लिया। बाबा कहाँ श्रीमत में, बाबा तो कहते हैं जितना कायदा उतना फायदा, आप खान पान में जितना कायदा करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा को फायदा होगा, कायदा नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। बाबा एक पंथ दस कार्य का क्या अर्थ है? एक पंथ दस कार्य, एक पंथ दस कार्य, हाँ, एक बाबा के पास आते हैं, रेगुलर क्लास में आते हैं, पंक्चुअल आते हैं, तो दस तो क्या सैकड़ों कार्य सिद्ध होते हैं। एक क्लास में आना तो सिद्ध हुआ ही, टीचर का लाडला बच्चा तो साबित हुआ ही, लेकिन माँ बाप भी प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे? हैं? माँ बाप भी प्रसन्न होते हैं, और जिन बच्चों पर माँ बाप प्रसन्न होते हैं टीचर भी प्रसन्न होता है तो गुरु का रिजल्ट क्या होगा? हाँ, गुरु भी प्रसन्न होगा। पद ऊंचा पाएंगे या नीचा पद पाएंगे? हाँ, जन्म जन्मांतर ऊंचा पद पाएंगे, धनवान बनेंगे या गरीब बनेंगे? जरूर धनवान बनेंगे। और जब पंक्चुअल हैं, रेगुलर हैं क्लास में, तो अच्छे योगी बनेंगे
या साधारण योगी बनेंगे? अच्छे योगी बनेंगे। अच्छे योगी बनेंगे तो जन्म जन्मांतर जो स्वास्थ्य मिलेगा, शरीर की सेहत मिलेगी, वो अच्छी से अच्छी मिलेगी या बीमार बीमार दुखी रोगी रहेंगे? आत्मा पावरफुल बनेगी योग से तो जन्म जन्मांतर शरीर भी पावरफुल बनेंगे। तो गिनते जाएं, 10 क्या, 20, 25, ढेर सारी फायदे हैं क्लास में आने मात्र से ही। संघ का रंग लगेगा कि नहीं ब्राह्मणों का? वो भी लगेगा। जो क्लास में आते हैं और मेरा बीच में छोड़ के उठ के चले जाते हैं क्लास छोड़ के, वो पंक्चुअल हुए क्या? पंक्चुअल नहीं माने टाइम से तो आते हैं, टाइम से आते हैं लेकिन पूरी मुरली नहीं सुनते हैं, तो पंक्चुअल कहाँ रहे? रेगुलर स्टाफ तो नहीं हो, रेगुलर नहीं हो, रेगुलर आते हैं ले, बीच में क्यों छोड़ जाते हैं? रोज ही आते हैं लेकिन क्लास में पंक्चुअल नहीं कहे जाएंगे क्योंकि बीच में छोड़ देते हैं। और बाबा उर्वशी अप्सरा ने अर्जुन को श्राप क्यों दिया है? उर्वशी अप्सरा थी, हाँ। उसने अर्जुन को श्राप क्यों दिया? इसीलिए तो श्राप दिया। जैसे गुरु लोग श्राप देते हैं, उनकी बात न मानो तो श्राप दे देते हैं। तो अप्सरा की बात नहीं मानी तो उसको गुस्सा आ गया। और बाबा एक आज की माला है, एक आज की, एक मैंने देखा कोई साई की माला, कोई साई की माला थी जब कोई जप रहे थे। और धर्मों में कम और जास्ती मणके भी होते हैं, ये देवी देवता सनातन धर्म के 108 मणके होते हैं क्योंकि ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह हैं, 9 ही मुख्य धर्म हैं जो नंबरवार भगवान को मानते हैं। भगवान बाप को जो मानने वाले धर्म हैं नंबरवार, वो ही भगवान बाप से वर्षा लेते हैं। जो भगवान बाप से वर्षा लेने वाले हैं वो 12-12 के 9 ग्रुप हैं। हर धर्म से चुनी हुई आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माएं हैं, या आधार मूर्त हैं या पत्तों में से हैं, बीज रूप हैं। इसलिए उनकी 108 की माला है, 12 और गुणे 9, 12 गुणे 9 माने 108 हो गए। हाँ जी, सिख धर्म तो बाद का धर्म है ना। और बाबा सिख धर्म में बर्तन मांजना बड़ा अच्छा समझते हैं वो, इसीलिए तो किसी बच्चे ने पूछा, बाबा मुरली में बोला है मैं सेवाधारी बच्चों को याद करता हूँ, तो बाबा मनसा सेवा को छोड़कर वाचा और कर्मणा की सेवाओं में जो ज्यादा सेवा करते हैं, वाचा और कर्मणा की ज्यादा सेवा करते हैं, तो बाबा उन बच्चों को याद करते हैं या नहीं करते हैं? जरूर करते हैं क्योंकि सेवा तो करते हैं ना। कर्मणा सेवा के भी तो 100 नंबर हैं, जैसे वाचा सेवा के 100 नंबर हैं, कर्मणा सेवा के भी उतने ही नंबर हैं। सिर्फ ये देखा जाता है कि जो भी सेवा करते हैं, चाहे कर्मणा चाहे वाचा, वो लगन से करते हैं, प्यार से करते हैं कि कहलाने से करते हैं या धक्का देने से करते हैं या मजबूरी में करते हैं? और
अब मुसलमानों का नंबर है ना 786 नंबर पूछा था किसी ने आपसे ये बहुत वो क्यों माना जाता है लकी तो इसका टोटल मैंने देखा इसका 21 बनता था तो 21 के कारण ये लकी माना जाता है 21 उसका जन्म का टोटल 21 बनता 786 का द्वापर युग जब धर्म शुरू होता है द्वापर युग में तो पहला पहला धर्म कौन सा शुरू होता है इस्लाम धर्म तो उस धर्म के शुरू होने से पहले जो आत्माएं इस्लाम धर्म से गुजर के आती हैं उनके कितने जन्म होते हैं है? 20 जन्म होते हैं और उनके जो बाप होंगे उनके कितने जन्म होंगे 21 जन्म तभी टोटल 21 बनता है 786 तो वो उस उसको श्रेष्ठ समझते हैं कोई ने पूछा बौद्ध धर्म के शास्त्रों में कहीं भी आत्मा परमात्मा का जिक्र नहीं किया गया है तो जो बौद्ध धर्म की आत्माएं हैं वो किस आधार पर आत्मा परमात्मा को मान लेते हैं और बाप को पहचानते हैं जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होते हैं बौद्ध धर्म के नहीं है पक्के लेकिन थे तो देवी देवता सनातन धर्म के लेकिन बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जो कन्वर्ट वहां हुए होंगे वो ही यहां संगम युग में भगवान बाप जब आते हैं तो आत्मा परमात्मा को सहज ही मान लेते हैं बाकी जो महात्मा बुद्ध के आने के बाद जो आत्मा परमधाम से नीचे उतरती है वो जल्दी आत्मा परमात्मा की बात पर ध्यान नहीं देते बाबा कहते हैं आचार्य रजनीश के अंदर भी महात्मा बुद्ध की आत्मा आई थी और तभी उसकी वाणी ने इतनी हाइट्स पकड़ी थी काफी फॉलोअर्स उसके बन गए थे तब अकेले राजा रजनीश की बात थोड़ी है वो तो जो भी आत्माएं ऊपर से नई नई आती हैं किसी में प्रवेश करती हैं तो उनका नाम बाला हो जाता है क्या विवेकानंद का नाम बाला नहीं हुआ पहले तो उनका नाम नरेंद्र था फिर आत्मा ने प्रवेश किया तो नाम बाला हो गया अकेले रजनीश की ही बात क्यों उठाना रामदेव की बात उठा लो ये ऊपर से डायरेक्ट नई उतरी हुई आत्मा है या सतयुग से जन्म लेती हुई आत्मा है नई आत्मा है तो बाबा बोलता मैं सत्री हैं तो कहता मैं सत्री हूं कहने से हो जाता है कुछ जो कहता है हम क्षत्रिय हैं वो शरीरधारी आत्मा क्षत्रिय है कि उसमें प्रवेश की हुई आत्मा क्षत्रिय है कौन सी क्षत्रिय रही होगी प्रवेश तो डायरेक्ट परमधाम से आई है कलयुग के अंत में वो शूद्र है कि क्षत्रिय है वो तो शुद्ध है लेकिन किसमें प्रवेश किया देवता धर्म की आत्मा में प्रवेश किया देवताओं की संख्या कितनी है 33 करोड़ ये 33 करोड़ ज्यादा जन्म लेने वाली आत्माएं हैं इसलिए तमो प्रधान भी बन जाती हैं नंबर वार कमजोर बन जाती हैं और उनमें ऊपर से आने वाली आत्माएं उनको दबोच लेती है हिंदू ही कन्वर्ट होते हैं कि दूसरे धर्म के कन्वर्ट होते हैं हिंदू ही कन्वर्ट होते हैं क्या कारण है जो हिंदू ही कन्वर्ट होते हैं हैं संगम इधर ही संगम युग में ही वो चेंज करते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं कोई कारण है या नहीं है क्या कारण है इधर संघ के रंग में आ जाते हैं ज्यादा संघ के रंग में हिंदू ही क्यों आते हैं और धर्म की आत्माएं कन्वर्ट क्यों नहीं होती
ਬਾਪੂ ਪੂਰਾ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਪਾਸੇ न पहचानने का भी कारण क्या है? उनके 63 जन्मों के ऐसे ही संस्कार हैं, कन्वर्ट होने के संस्कार हैं। जिसने जो सुनाया सत्य वचन महाराज। बाबा जितनी आत्मा कन्वर्ट हुई है ये आएगी वापस? है सब आ जाएंगी ना वापस देवताओं में? हाँ। जो भी कन्वर्ट हुए हैं उनकी क्या चिंता? वो जैसे पहले कन्वर्ट हुए थे वैसे अब कन्वर्ट हो जाएंगे। बाबा भक्ति मार्ग में सभी लोग जो पूजा करते हैं भाई भी और माताएं भी सिर के ऊपर दुपट्टा लेके करते हैं, सिर ढक के करते हैं, सिर के ऊपर कुछ कपड़ा रख के करते हैं, नंगे सिर नहीं करते। उसका बाबा क्या है? सिर माने क्या है? सिर माने बुद्धि। बुद्धि जो है वो निराकार है या साकार है? निराकार है। लेकिन निराकार बुद्धि भी काम कब करती है? जब साकार बने। तो साकार माने कपड़ा। हाँ पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार जयंत सिंह को मारने वाला एक व्यक्ति को सजाए मौत हुई थी, फांसी की सजा और उसका साथ सारी जनता ने दिया। यहाँ तक कि वर्तमान में जो प्रकाश सिंह बादल हैं उन्होंने भी उसका साथ दिया और राष्ट्रपति के पास जाकर के उसकी फांसी की सजा रुकवा दी। आखिर वो गलत था, उसे कोर्ट ने फांसी की सजा 31 मार्च को उसे फांसी पे लटकाना था, लेकिन वो जनता ने विरोध किया, बड़े हंगामे हुए, काल बहुत हंगामे हुए हैं पूरे पंजाब में। तो आखिर वो आत्मा गलत होते हुए भी कोर्ट ने उसको फांसी की सजा भी दी थी, लेकिन उसकी सजा गलत होते हुए तो फांसी की सजा दी जाती है ना। लेकिन उसकी सजा तो जनता क्यों भरोसा नहीं उसने पानी? जनता उसका साथ क्यों दे रही है? यहाँ तक सरकार भी उसका साथ दे रही है। जनता बुद्धिमान होती है या राजा बुद्धिमान होता है? अभी जो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चल रहा है ये एक बेकायदे राज्य है या कायदे का राज्य है? तो बेकायदे काम ही होंगे। इतने आतंकवादी निकल रहे हैं उनको नौकरियां दी जा रही है, ये कायदे का है काम या बेकायदे का है? नौकरी देना ये पुरस्कार हुआ या सजा हुई? ये तो पुरस्कार हो गया, तो ये तो है ही बेकायदे राज्य। यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। यहां तो ऐसा ही होगा और आगे चल के ज्यादा होगा या कम होगा? और ही ज्यादा होगा। अति हो जाएगी तब बुद्धों की बुद्धि में बैठेगा कि ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चेंज होना चाहिए, ये बेकायदे राज्य है। राजा का राज्य भगवान ही आकर के स्थापन करता है, भगवान ही आकर के हमें राजा बनाता है, राजयोग सिखाता है। भगवान के सिवाय और कोई राजयोग सिखला ही नहीं सकता। जब भगवान राजयोग सिखाता है, राजा ही स्थापन करता है, तब कायदे का राज्य शुरू होता है। अभी तो देश देश में सारी दुनिया में बेकायदे रावण का राज्य है या राम राज्य है? रावण का राज्य है। और बाबा हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है। हर्षितपन का हर्षितपन खुश का
कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। हाँ जी। अपने कमजोर संकल्प गिराने का कारण बन जाते हैं। हाँ, कमजोर संकल्प होते हैं तो हर्षित कैसे रहेंगे? फिर तो मायूसी आ जाएगी। मायूसी आती है तो मन में भी मायूसी आती है, तन में भी आ जाती है। दूसरों के वाइब्रेशन भी मायूस होने लग पड़ते हैं, फिर तो कमजोरी कमजोरी आएगी ना। तो बाबा, ड्रामा में कोई भी हमारा पुरुषार्थ कोई बार ढीला हो जाता है तो तब भी हर्षितपन के संस्कार रहने चाहिए। संगम युग है ही मौजों का युग है या दुखी होने का युग है? तो कैसी भी शूटिंग हो तब भी खुशी रहना। ताकत होगी आत्मा में तब ही रहेंगे या ताकत नहीं होगी तब भी रहेंगे? संग का रंग अच्छा होगा तब ही खुशी आएगी या कमजोरों का संग किया हुआ है तो भी खुशी आती रहेगी? इसलिए तो कहते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई। वो लोग नए 63 जन्मों के जो पाप कर्म हैं, क्या वो योग वश से योग की से भस्म होते हैं या भोगने ही पड़ते हैं? पुरुषों में सभी को भूल सभी में हाँ। जो 63 जन्म के पाप कर्म हैं हाँ। क्या वो योग से भस्म होते हैं या भोग करके ही भस्म किए? अगर भस्म नहीं होते हैं तो नारायण के और उनके साथी जो अष्टदेव हैं उनके भस्म कैसे हो जाते हैं? उनके पाप भस्म होते हैं या नहीं होते हैं, या उन्होंने कभी पाप किए ही नहीं हैं? अनायास तुम्हारे सब कर्म बंधन छूट जाएंगे। अनायास छूट जाएंगे? नहीं, वो अनायास योग से भस्म होकर के छूटेंगे या कर्म भोगने? सजाओं से भी छूटेंगे, जिनके छूटने होंगे सजाओं से उनके सजाओं से छूटेंगे, जिनके कर्म बंधन से छूटने होंगे वो कर्म बंधन से भी छूटेंगे, जिनके योग बल से छूटने होंगे अनायास ही अंतिम कर्म भोग रहेगा और खलास हो जाएगा और अनायास शुरू हो जाएगा। हाँ बाबा, टेस्ट में हम निराकार के 32 गुण दिखाते हैं, आप जब पढ़ते हैं एडवांस में आने के बाद, हम एडवांस में आने के बाद सरकार का 32 गुण वाला चित्र निकाल सकते हैं? है? निराकार का 32 गुण वाला चित्र निकाल सकते हैं? निराकार में गुण होते हैं कि निर्गुण होता है? निराकार तो निर्गुण होता है, उसके गुण नहीं होते हैं। निराकार जब साकार में आता है तब ही वो गुण देखने में आते हैं। उन्होंने जो निराकार का चित्र दिखाया है वो लिंग का चित्र दिखाया है, उसमें बीच में बिंदु दिखाया है, वो समझते हैं वो बिंदु भी निराकार है और वो लिंग भी निराकार है, लेकिन ऐसे नहीं है। सर्व का सदगति दाता जब कहा जाता है तो वो बिंदु परमधाम में रहकर सर्व का सदगति दाता होता है प्रैक्टिकल में, या इस दुनिया में किसी साकार में आता है और उसकी निराकारी स्टेज बनती है तब सर्व का सदगति दाता साबित होता है। इस दुनिया में आता है और जिस साकार में आता है उसकी निराकारी स्टेज बनती है। शिव आता है तो आप समान बनाता है, आप समान जब निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज साकार की बन जाती है तब कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। तो वो सर्व का सदगति दाता का जो टाइटल है वो परमधामवासी बिंदु का है या ऐसे स्वरूप का है जो कर्मेंद्रियां होते हुए भी न होने के बराबर हो जाता है?
ऐसे नहीं कि कर्मेंद्रियां नहीं हैं, हैं तो फिर भी जैसे कि कान होते हुए भी नहीं है, नहीं तो दुनिया में किसी की ग्लानी उसके मुख के सामने करो, पीछे से करो, चारों ओर ग्लानी फैलाओ तो पागलपन सवार होने लगता है कि नहीं, गुस्सा आता है कि नहीं, परेशान हो जाता है ना। लेकिन शिव बाबा परेशान नहीं होता। तो जब ऐसी स्टेज बन जाए कि देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, और कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी कर्म न करना, अर्थात उस कर्म का कोई रिजल्ट न निकले, तब कहेंगे निराकारी स्टेज, तब कहें सर्व का सदगति दाता। हाँ हाँ जी, रुद्र महाराज का जो दूसरा मंका है, हाँ, इसको सतयुग में क्या पाठ मिलेगा? ऐसे नहीं होता कि संगम युग में भी नारायण बन जाए फिर सतयुग में भी जाके नारायण बनता रहे। हर युग के हर जन्म में ऊंचा पद बनेगा क्या? नहीं, संगम युग में ऊंचे तो ऊंचा पद हो गया ना। संगम युग में तो दर्शन अपनी जगह दर्शनी को और नारायण को देगा? नहीं, राजा रानी का जो पद होता है, जो कुर्सी होती है, उससे भी ऊंची कुर्सी बनती है राजमाता की, है? हाँ, और जगदम्बा की भी कोई दादी है, परदादी जिसे कहें, तो उसकी कुर्सी और भी ऊंची हुई या नीची हुई? और भी ज्यादा ऊंची हो गई। इसलिए सतयुग में उतना ऊंचा पद नहीं बन सकता। बाबा एनएस में भी बाबा की क्लास चलती है? नहीं, बाबा जो अचानक मौत होती है, क्लास ही करते रहेंगे या 100% पक्का निश्चय भी धारण करेंगे? है जैसे बाकी मधुबनों में बाबा क्लास कराते हैं। हाँ, बाबा क्लास कराते हैं तो उस क्लास कराने का, मेहनत लेने का हिसाब किताब बनता है या नहीं बनता है? है? तो जो अभी भी क्लास के आदि बने पड़े हैं, क्लास नहीं होता है तो अवस्था नीचे जाने लगती है, अनुभव करते हैं कि हमारे में कमजोरी आने लगी। तो हम ये समझे कि वो पास हो चुके हैं, उनको क्लास नहीं, पास हो चुके हैं नहीं, लेकिन पास होने की स्टेज नजदीक है। जब तक माया का फाइनल पेपर न हो जावे तब तक किसी के लिए नहीं कहेंगे कि फाइनली पास हो चुका। हाँ, क्लास में स्टूडेंट्स का पता लग जाता है कि कौन कौन होशियार है। बाबा एनएस वाले क्या सेवा करते हैं? बाबा ने बोला है जो पतित होते हैं वो मंदिरों में जाकर पावन की पूजा करते हैं, माथा झुकाते हैं। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में ही इसकी शूटिंग होती है। कोई आत्मा ऐसी है कि जब से ज्ञान में निकलती है तभी से उनका फाउंडेशन इतना पक्का हो जाता है कि वो देह और देह के संबंधियों की तरफ आकर्षित नहीं होती, ईश्वरीय कार्य के तरफ ही आकर्षण उनका रहता है। उनकी बाबा बाहर की दुनिया में सेवा तो नहीं होगी ना?
मनसाई सेवा होगी। हेड ऑफिस कंट्रोल करता है या छोटे मोटे ऑफिस कंट्रोल करते हैं? तो हेड ऑफिस कौन है? है और बाबा हमारा पुरुषार्थ भी वैसा ही होगा जैसे हमारी मूर्तियां होंगी। मूर्तियां? आपकी मूर्तियां वैसी ही होंगी जैसा आपका पुरुषार्थ होगा? आप उल्टी बात बोल रहे हैं। इसीलिए ज्ञान में या किसी भी सेवा में ऊपर नीचे होता रहता है जो। हाँ जी बाबा, अचानक मौत जो होती है वो अचानक जो मौत हो जाती है, अचानक जो डेथ हो जाती है ना, मौत हो जाती है अचानक, तो उसमें सूक्ष्म शरीर तो मिलता है, तो उसके बाद उसको दूसरा शरीर नहीं मिलेगा? स्थूल क्यों नहीं मिलेगा? जब सूक्ष्म शरीर की आयु पूरी हो जाएगी तो सूक्ष्म शरीर खलास होगा और नया शरीर मिल जाएगा। बाबा ज्ञान मार्ग में तो बोलते हैं ना कि जब शरीर आत्मा छोड़ती है उसका दूसरा पिंड तैयार वहां चली जाती है, लेकिन भक्ति मार्ग वाले कहते हैं 10 दिन तो इर्द गिर्द रहती है। वो भक्ति मार्ग वाला है सिर्फ है, हिंदुओं में ही कहते हैं या क्रिश्चियंस मुसलमानों में भी ऐसे कहते हैं? मनुष्य मनुष्य की आत्मा सबकी एक जैसी है कि अलग अलग है? ये तो अपनी अपनी भक्ति मार्ग में मान्यताएं बना ली हैं। वो मान्यताएं मनुष्यों की बनाई हुई हैं। वो सच्ची बातें नहीं है। सच्ची बातें मनुष्य बनाते हैं, मनाते हैं, बताते हैं, या भगवान बाप बताते हैं? भगवान बाप ने तो बता दिया, शरीर छोड़ा और तुरंत आत्मा एक सेकंड में दूसरे गर्भ में जाकर प्रवेश हो जाती है। एक्सीडेंटल मौत? नहीं, एक्सीडेंट होता है तो सूक्ष्म शरीर मिलेगा। हार्ट का होता है? हार्ट फेल होता है तो भी एक्सीडेंट ही हुआ। जो आत्मा बाबा जैसे ज्ञान में चलते हुए कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान की बातें मतलब चलना चाहिए ना, जो गिरती में बातें करके वो करना चाहिए? मुरली में क्या डायरेक्शन दिया है? घर वालों से ना कुछ पूछना है ना उनकी मत पर चलना है। तो आप घर वालों की बात क्यों लगाते हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब कि आजकल जैसे कोई शरीर छोड़ देता है तो हमारे हरिद्वार चले जाते हैं ना उसकी आस्थियां लेके। आप किसकी मत पर चले जाते हैं? शिव बाबा ने मुरली में बोला? नहीं, तो आप 63 जन्म के पक्के आदि हो चुके हैं तमोप्रधान दुनिया के। कोई ने सतोप्रधान भक्ति भी की है और कोई ने तमोप्रधान भक्ति की है। बाबा घर में ऐसी बात हो जाए कोई ले भी जाए तो बीच में से हमें मजबूरी जाना है ना, बाबा को तो याद कर सकते हैं? ठीक है, अगर दोनों तरफ तोड़ निभानी है तो अंदर से बाबा को याद करते रहो, अंदर से समझो मैं तो बांधेली आत्मा हूं, समाज वालों ने मुझे बांध रखा है, मैं अभी राजा नहीं बना हूं। सतयुग में बंधी रहेगी? सतयुग में बंधी रहेगी आत्मा? सतयुग में बंधी हुई नहीं रहती है, द्वापर और कलयुग में शूटिंग कर रहे हैं हम। बाबा जो जो घर वालों में किसी की बात ना माने अपने घर में किसी को अपनी मर्जी करे तो उनको क्या कहेंगे, लड़ने वाली आत्मा? वो ज्ञान में चलता है या नहीं चलता है? हैं? अपने घर में किसी की बात नहीं मानती? अपने घर में सब ज्ञान में चलते हैं, कोई नहीं चलता। वो अकेला ज्ञान में चलता है? मैं अकेली चलती हूँ। अच्छा, जो अकेला ज्ञान में चलता है और घर में कोई बातें आ जाती हैं तो घर वालों की बात नहीं मानता, वो मुरली को टटोलता है, बाबा की वाणी को टटोलता है कि बाबा इस बात में क्या कहते हैं। तो जो बाबा के ऊपर नजर जाती है, बाबा की बात मानता है, उसकी तो अच्छी शूटिंग हो रही है। राजा बन रहा है या आधीन बन रहा है? राजा बन रहा है। लड़ाकी तो तब कहेंगे जब आप वाचा से लड़ाई लड़ेंगे। बाबा बाबा बोलते हैं ज्यादा बोलो है? बाबा को झूठ बोलते पकड़ लेती हूँ। सारी दुनिया झूठी है, किसको किसको पकड़ेंगे? झूठ बोलते हैं, अपने मुंह से झूठ बोलते हैं कि हमारे मुंह से झूठ बोलते हैं? तो वो झूठ उनको चिपकेगा या झूठ हमको चिपक जाएगा?
उनको ही चिपकेगा, बोल लेगा बाबा किसी मंदिर में, कोई मंदिर में होता है ना प्रोग्राम, तो मेरे को मेरे से पैसे मांगते हैं, मैं नहीं देती साफ साफ, मैं भक्ति के लिए पैसे दूंगी। बाबा ने मना किया है कि किसी को भक्ति करने के लिए मना करो, मुरली में क्या बोला? भक्ति कोई करता है तो उसको और सहयोग दे दो या उसकी जबरदस्ती भक्ति तोड़ दो। आपके बच्चे हैं और वो भक्ति करते हैं, आपके अधीन है, तो उनकी भक्ति पूरी करने में आपको सहयोग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अच्छा ज्यादा ना दो, थोड़ा तो दे दो। मैं नहीं दे सकती किसी को, नहीं दे सकती तो इसका मतलब आप लौकिक में तोड़ निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं? और बाबा ने क्या कहा गृहस्थियों के लिए, लौकिक और अलौकिक दोनों में तोड़ निभानी है या नहीं निभानी है? या तो सन्यासी हो जाओ, डाइवोर्स दे दो और एकांतवास न जंगल न झांसा। बाबा तो सहज रास्ता बताते हैं। जो मामले पर जाते हैं, एक बात है, जो मांगने वाले आते हैं तो उनको दान देना चाहिए? मांगने वाले आ जाते हैं तो भी उसमें देखना पड़ता है, कहीं समाज का सारा हुजूम तो नहीं मांगने आया हुआ है। कोई ऐसे होते हैं दारू पैसा इकट्ठा करके दारू पीते हैं, तो आपको मालूम है कि वो दारू पीते हैं तो क्यों देते हैं? आप कैसे राजा हैं बाबा? जैसे रामलीला होती है ना नवरात्रों में, रामलीला होती है ना, तो वो 100-100 रुपए हर एक घर से देती है। हाँ हाँ, तो बताओ कि आप तो जो रामलीला खेलते हैं उसका कोई आधार नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। हम तो आपकी राम की लीला ऐसी सुनाते हैं जो आपको सच्चाई लगेगी, आप बैठ करके सुनो। तो एक बार मांगेंगे, दो बार मांगेंगे, कहेंगे अरे ये तो हमारे कंट्रोल में आने वाले नहीं है। बाबा एक शब्द आता है जनसंग्रह, जनसंग्रह सेवा करना जनसंग्रह नहीं है? ईश्वर का ज्ञान देना, ईश्वर का परिचय देना, ये जनसंग्रह नहीं है? दुनिया में इसका अर्थ किया जाता है। तो दुनिया से हमें क्या लेना देना? हमारा जनसंग्रह हमको जो बाबा बताते हैं हमें वो जनसंग्रह देखना है। और बाबा मुरली में बाल बोलते हैं कि मैं एक तरफ एक राज्य की स्थापना करने के लिए आया हूँ, परंतु जो गर्भस्थ में रहते हैं उसमें शिर यहाँ तो रह के तो शिरमत की पालना हो सकती है, गर्भस्थ में मनुष्य मत और मनमत मिक्स हो जाती है। मनमत क्यों मिक्स हो जाती है? जब मुरली में बोल दिया है घर वालों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है तो क्यों मिक्स हो जाएगी? यहाँ की बात उनको बताओ मत, जब वो सुनने के आदि नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते, गुप्त कर दो ना। 100% श्रीमत की पालना तो नहीं हो सकती है। हाँ जितनी हो सकती है तो उतनी तो करें। 100% पालना करने वाला तो एक ही निकलेगा, 8 ही निकलेंगे या सारे निकलेंगे? तो जब तक हम 8 वाला पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं तब तक कम से कम 100 वाला तो कर सकते हैं, वो भी छोड़ दें। पर जो सरेंडर है वो तो फायदे में रह गए हैं, जो आश्रम में सरेंडर वो तो फायदे में रह गए। सरेंडर हैं उनमें भी तो दो तरह के हैं, एक ऐसे हैं कि कागज पर तो लिख के दिया हुआ है सरेंडर लेकिन बात कोई नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं, न आज्ञाकारी है, न वफादार है, न ईमानदार है, न फरमानदार है। तो वो 16,000 वाले सरेंडर तो हैं लेकिन चारों गुणों में से एक भी गुण फॉलो नहीं करते हैं, तो वो दास दासी ज्यादा जन्मों में बनेंगे या राज परिवार में प्रिंस प्रिंसेस ज्यादा जन्मों में बनेंगे? दास दासी बन पड़ेंगे। सूर्यवंशी राज परिवार में तो आ जाएंगे ना?
सूर्यवंशी राज परिवार में तो सूर्यवंशी सिर्फ 16,000 होते हैं या 4.5 लाख भी सूर्यवंशी होते हैं, 9 लाख सूर्यवंशी नहीं बनेंगे फिर क्या बात। 16,000 से आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं सूर्यवंशियों को? 16,000 तो वो हैं जो सारी दुनिया से मुख मोड़ करके अंतिम जब रिजल्ट निकलता है तो एक शिव बाबा दूसरे न कोई। घर में रहते रहते तो मुख मोड़ ले उनसे, घर में रहते रहते तो मुख मोड़ ले। अच्छा उन दोनों से, अच्छा बुद्धि से, वो 16,000 की लिस्ट में नहीं आएंगे, वो आएंगे ना 16,000 की लिस्ट में जो घर में रहते रहते। अच्छा घर परिवार में रहते गीता पाठशाला चलाने वाले क्या श्रीमत पर नहीं चल सकते? तो वो 16,000 की लिस्ट में नहीं आ सकते। अंत में ऐसा हिसाब बनेगा कि अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। कोई कहे ऐसा कैसे हो सकता है, तो बेसिक में हुआ या नहीं हुआ? बेसिक में तो हुआ, अंदर वाले सरेंडर्ड हैंड्स रह गए और जो बाहर घरगस्त में रहने वाले थे वो एडवांस ज्ञान ले गए, बाप को पहचान लिया, जान लिया, मान लिया और अपना बना लिया। जो सरेंडर्ड थे वो अभी भी बाप को पहचान भी नहीं पाए। हम जाने क्लास कर नहीं सकते है, हमारा सेंटर कोई क्लास करने है। सेंटर कोई नहीं है, रोज क्लास है तो संगठन में तो आते हैं, संगठन में आते हैं। तो ये क्लास नहीं है, ये तो क्लास है 8 दिन की। आप संगठन में आते हैं तो भी क्लास तो है ना, दूर से आते हैं ना, और बूढ़ा शरीर है ना। जम्मू में सेंटर कोई है, जम्मू में कोई बड़ा भी क्लास करेंगे? कोई बात नहीं, अपने घर में तो कर सकते हैं। घर में तो अकेला ही हूँ। अकेले हैं तो अकेले करो, शिव बाबा तो साथ में है। बाप बाप कोई साथ में। बस हाँ जी, हाँ जी है। तो अपने पिता पढ़ के अंदर घर में कितने आत्माओं को दूर करते, युगल घर में हो दोनों युगल चलते हैं। गीता पाठशाला घर में चलानी है तो कौन मना करेगा? हाँ तो मेहनत करेंगे तभी तो आएंगे आने वाले। आप संदेश ही नहीं देंगे मोहल्ले पड़ोस वालों को तो आएंगे कहाँ से? मेरा दरवाजा बंद कर देने सुनना के वो क्या करना, अपना मेरा दरवाजा बंद कर आप अपना मोहल्ला बड़ा बना दो। बोलता बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे उनको संदेश मिलेगा? बोलना जो सुनाता हूँ तो सुनते ही नहीं। हाँ तो आपने सुनाना बंद कर दिया ना? ना ना सुनाना रोज दरवाजा बंद कर देंगे। कोई बात नहीं, जब दरवाजे से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? मेरी बाइक कम कर जाती है, मैं क्या करूँ? आप अपनी बात पर अटल रहो, जैसे बिच्छू है डंक मारने पर अटल रहता है, तो आप अपनी बात पर अटल रहो। हम अपनी बात कर रहे हैं बस, ताकि अंत में कोई आपसे न कहे कि देखो आपने हमें सुनाया नहीं बताया नहीं। मैं उनको बोलता हूँ तो 2 साल के बाद देखना तुम क्या होता तुम्हारा। और मुरली में आता है कि पोशाक में लचीलापन होना चाहिए, लचीलापन माना। जैसे धनुष होता है, धनुष की जब प्रत्यंचा खींचते हैं तो कड़क होगा तो प्रत्यंचा टूट जाएगी, अगर लचीला होगा तो जितना खींचेंगे उतना ज्यादा खींचेगा और बाण की तेजी बढ़ जाएगी। ऐसे ही पुरुषार्थ है, पुरुष माने आत्मा, पुरुष अर्थ किसके लिए?
आत्मा के लिए, आत्मा के लिए करने वाला कौन है? रथ नाम ही है पुरुषार्थ। तो रथ ऐसा होना चाहिए जो पुरुषार्थ करने में बड़ा लचीला हो। जितना जास्ती पुरुषार्थ करना चाहे उतना जास्ती पुरुषार्थ बढ़ जावे, जितना जास्ती माया जोर से आवे उतना जास्ती पुरुषार्थ तीखा हो जावे। ऐसा रथ साबित हो जावे। कहते हैं धनुष प्रसिद्ध था। कौन सा धनुष प्रसिद्ध था? दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया हुआ धनुष प्रसिद्ध था। हड्डी हड्डी पुरुषार्थ ब्राह्मणों की दुनिया में किसका प्रसिद्ध है? ब्रह्मा का। वो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया हुआ जो धनुष है वो भी राम ने तोड़ दिया। और सीता ने क्या किया? उस धनुष को बाएं हाथ पर उठा लिया। तो राम वाली आत्मा का जो शरीर रूपी रथ है उसी में वो दधीचि ऋषि की सूक्ष्म शरीर रूपी हड्डियां प्रवेश करती हैं और कोई नहीं उठा पाता, सीता उठाई लेती है और रावण उसको हिला भी नहीं पाता। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा आती है, उसमें कृष्ण का चरित्र दिखाया है, शिव का धनुष कंस की सभा में रखा हुआ था और कृष्ण ने उसे तोड़ दिया और कोई हिला भी नहीं पाते थे अकेले, और उन्होंने प्रत्यंचा खींच करके उसे तोड़ दिया। तो ये सब बातें कहां की यादगार हैं? संगमी की यादगार। बाबा अमृत वेला करने के बाद नींद आती है, सो जाते हैं, इससे नुकसान होता है? बाबा ने तो बताया है एक छोटे से ड्रापर में सरसों का तेल रखो, आधा बूंद उंगली में लिया और नींद आई एक आंख में लगाया दूसरी में नहीं है। एक आधा बूंद आधा पौना घंटा तुम्हारे सोने नहीं देगा, उसके बाद फिर नींद आने लगे ठंडक पड़ जाए तो दूसरी आंख में लगा दो, फिर आधा पौना घंटा नींद नहीं आएगी। ऐसे ही दो तीन बार बदलो पूरा अमृत वेला चकाचक हो जाएगा चार छह दिनों में। जगने की प्रैक्टिस पड़ जाएगी या नहीं करने के बाद? फिर वही बात, प्रैक्टिस अमृत वेले की तो पक्की हो गई है। अमृत वेले की पक्की जैसे प्रैक्टिस हो गई, ऐसे ही 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का जो संगठन का क्लास होता है उसमें भी प्रैक्टिस पक्की कर दो, बस उसके बाद भले सो जाओ। बाबा घर इधर आश्रम में तो 5 बजे क्लास होती है सुबह 5:30 बजे, तो अगर सुबह आना चाहे तो नहीं आ सकते क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो उसी टाइम हम घर में क्लास नहीं कर सकते? उसी टाइम 5:30 बजे बच्चों को स्कूल भेज के 7 बजे करते हैं। कौन मना करेगा? नहीं, उसी टाइम अगर हम घर में करें 5:30 बजे जो आश्रम में क्लास होती है उसी टाइम घर पर हो जाए तो ठीक है। नहीं होता संगठन का क्लास, संगठन में जितनी पावर देगा
उतना अकेले में पावर नहीं देता है। अब जो करना चाहे सो करे, क्योंकि संगठन में जाना भी ईश्वरीय सेवा है, संगठन के वाइब्रेशन बनाने की सेवा हुई या नहीं हुई, वाइब्रेशन बने याद के, आश्रम का वाइब्रेशन अच्छा बना, तो वाइब्रेशन की सेवा मनसा सेवा है। ये दूसरे आते हैं संगठन में आना पड़ते हैं, रात को रहना पड़ता है, तो क्या हुआ, रह सकते हैं तो रहें, कौन मना करेगा। ये पिछली बार आए थे, रहने को मना करते हैं, क्या रहने को मना करते थे, तो बाबा को पूछे नहीं, अमृत वेले का क्लास करने के लिए दूर से आते हैं ना, संडे को, संडे को क्लास कै बजे होता है, दस बजे होता है। आप कितने घंटे दूर से आते हैं, दस तो सर इधर ही बैठते हैं। आप कितने घंटे दूर हैं, तीन घंटे वाह, तीन चार घंटे, तो आप क्लास में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 10 बजे का क्लास क्यों रखना, क्लास को 11-12 बजे तक किया जा सकता है शुरू। रात में रहे ठहरते हैं तो दो क्लास हैं, शनिवार को आ जाएंगे, शाम का क्लास भी कर लें और सवेरे का भी क्लास कर लें, तो मना कौन करेगा, क्यों मना करेंगे, शनिवार आ जाते हैं। हाँ जी आओ, शनिवार आओ। ये बाबा नंगल डैम है ना, वहाँ से आते हैं। हाँ कोई चलो कोई बात नहीं, इस बार हर व्यक्ति वाणी में तीव्र पुरुषार्थी का शब्द आया। हाँ, ज्वाला रूप पुरुषार्थ करो, क्या अग्नि की ज्वाला तीव्र करो, क्यों, क्योंकि अब अंतिम समय है, अंतिम समय में अगर तीव्र ज्वाला नहीं हुई तो सोना पिघलेगा नहीं, पिघलेगा, जब पिघलेगा नहीं तो खाद अलग होगी नहीं होगी, जन्म जन्मांतर की खाद अलग करने के लिए ये जरूरी है कि अग्नि तेज की जाए, तीव्र अग्नि माने अब भी विचारी याद। बाबा 2012 में प्रकृति के जो मौसम है उनमें परिवर्तन देखने में आ रहा है, खास उत्तर भारत में, हाँ। तो इसका बेहद मैं क्या अर्थ, सूर्य प्रकृति जो है उत्तर भारत में, क्योंकि उत्तर भारत में ही यादगार बनी हुई है, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मेल कहाँ होता है, अलाहाबाद में होता है, तो परिवर्तन तो जरूर शुरू होगा।